महोबा जिला जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही कैदी के परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने जेल प्रशासन पर इल्जाम में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है और मौत की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि मामला महोबा जिला उपकारागार का है, जहां जेल में बंद 30 वर्षीय हृदेश उर्फ मोनू नामक एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक कैदी हृदेश उर्फ मोनू मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद के चंदला इलाके का रहने वाला है। परिजन का कहना है कि उसके ऊपर धारा 420 का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसका वारंट होने पर बीती 15 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से मोनू जिला उपकारागार में बंद था। दो दिन पहले उसके सगे भाई सोनू और परिवारी जनों ने मुलाकात की थी, जहां उसने बताया कि उसे 4 दिन से सीने में दर्द हो रहा है, मगर जेल प्रशासन द्वारा उसका उचित इलाज नहीं कराया गया। परिजनों का आरोप है कि सीने में दर्द होने की शिकायत बताने के बावजूद भी उसे जेल के अंदर ही टैबलेट दी गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। रात को 11 बजे यहाँ से फोन आया था जेल से कि आपके भाई का अटैक हुआ है, बहुत अर्जेंट, बहुत तेजी से, मतलब अटैक आया है। तो हम लोग फटाफट तुरंत गाड़ी से आए और वो 10-1 किलोमीटर निकले होंगे और तुरंत जेल साहब का फोन आया, बोले वो खत्म हो चुका है। अब उसी दिन हम मिलाई करने भी गए थे, वो बता भी रहा था कि मेरे सीने में 2 दिन से दर्द है, ना कोई दिखवा रहा है उसको ना कहीं कुछ, बोले 50 mg की टेबलेट दे दी थी जो कि मैंने आपको दिखाई भी है कि लापरवाही की वजह से, अगर 2 दिन से जिसके सीने में दर्द हो रहा है अगर उसको दिखवा दिया जाता तो ये ना होता। जेलर की लापरवाही से वो 4 दिन से बता रहा है कि मेरे सीने में दर्द है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल उनका भाई सोनू मुलाकात करने गया था और उन्होंने ये भी बताया, बोले मैं यहाँ पे माथा पटक पटक के मरा जा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी, जेल प्रशासन ना मुझको इलाज के लिए भेज रहा है। वो एक तो टैबलेट पकड़ा देते हैं डॉक्टर साहब, बोले ये दर्द की गोली है, खा लो, बोले सही हो जाएगी। ये प्रशासन एक समुदाय की लापरवाही की वजह से डॉक्टर, बस डॉक्टर साहब जाते हैं, डॉक्टर साहब के यहाँ गए, बोले ये टैबलेट खा लो, बोले सही हो जाएगी, और इसमें इसके दौरान कुछ नहीं करते। जबकि इस मामले को लेकर जेलर शिवमूर्ति सिंह ने बताया कि कैदी के बीमार रहने की कोई शिकायत उसके द्वारा नहीं बताई गई थी। रात में बैरिक बंद होने के बाद सभी लोग अपने घर चले गए, तभी उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली। जेल के अंदर डॉक्टर ने इलाज किया लेकिन हालत गंभीर होने के चलते अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल रात को अचानक इसकी जो है तबीयत खराब हुई, करीब 9:45 बजे के आसपास हम घर पर ही थे, हमें सूचना मिली, मैं तुरंत घर से आया, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब आ गए, फार्मासिस्ट पहले से मौजूद आ गए थे, तत्काल उसको यहाँ से भेजा गया और अस्पताल पहुँचने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो देखिए ऐसा है कि परिजन को आरोप लगाएंगे भाई, उनके घर का कोई सदस्य गया है तो उनका कहना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर किसी के तरह का कोई भेदभाव या कोई लापरवाही नहीं की जाती जेल में। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।